Hey guys, I'm Akshit Kenedia, and today I'm making a Q&A video. I am going to answer the questions you have asked me in the comments. If your question hasn't been selected, it's fine. You can comment your questions and I might select you in the next Q&A video. Let's start. First question. Ye first wala question bahut common hai. Logo ne mujhse comment mein bahut baar pucha hai ki mera pura naam kya hai, main kahan par rehta hoon, meri age kya hai, और मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं कौन से स्टैंडर्ड में हूँ। अभी मैं सारे कॉमन क्वेश्चंस को आंसर करूँगा। मेरा पूरा नाम अक्षित कनेडिया है और मैं अभी 13.5 साल का हूँ। आई लिव इन द सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, द हार्ट ऑफ आईटी हब, और इसे गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। और यह साउथ इंडिया का दिल है, द मोस्ट प्रोग्रेसिव सिटी ऑफ इंडिया, द बेस्ट प्लेस फॉर स्टार्टअप आफ्टर सिलिकॉन वैली, द लवली एंड ब्यूटीफुल सिटी बैंगलोर। It is situated in the northern part of Bangalore, affiliated to CBSE board. At present, I am the student of 9th standard. Dusra prashna, jo Sonal ne mujhse pucha hai, can you please suggest us some books that you read? Ye meri 10 favorite books hai, jinka naam main aapko ek ek karke bataunga. Book number 1, Work Smarter, Not Harder by Timo Kander. Book number 2, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen H. Covey. Book number 3, Make People Like You in 90 Seconds by Nicholas Bootman. Book number 4, Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Book number 5, The 5M Club by Robin Sharma. Book number 6, Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Book number 7, You Can Win by Shiv Khera. Book number 8, Atomic Habits by James Clear. Book number 9, Mega Living by Robin Sharma. Book number 10, The Human Nature by Robert Greene. इन बुक्स को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ चेंज हुई और जो मेरे लाइफ के बारे में परसेप्शन थे वो भी चेंज हुए। इनमें से 3 बुक्स की समरी मैंने बनाई है जो मेरे अक्षित कनेडिया चैनल में उपलब्ध है, वो आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और बाकी जो बुक्स है उनकी समरी मैं दिसंबर 2023 से पहले अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, उनको देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न जो ज्योत्सना ने मुझसे पूछा है, व्हाट आर योर गोल्स एंड व्हाट डू यू वांट टू डू। मेरा गोल एक एंटरप्रेन्योर बनने का है और मैं ह्यूमन लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ एंड बिल्ड अ ग्रेट नेशन फॉर आवर कमिंग जनरेशन, ताकि समाज के लिए, नेशन के लिए जो भी मैं करूँ सदियों तक लोग मुझे याद रखें। चौथा क्वेश्चन ऋषित कौशिक ने मुझसे पूछा है, ब्रदर माय ड्रीम इज टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर, नाउ हाउ डू आई प्रिपेयर एंड वेयर शुड आई स्टार्ट। नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। अगर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना कि क्या मेरे गोल्स है, मेरे परिवार, माता पिता, भाई बहन का सर प्राउड से ऊपर उठेगा या शर्म से नीचे झुकेगा। अगर आपको लगता है कि प्राउड से ऊपर उठेगा, देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। दूसरा, क्या उस गोल से समाज और देश को फायदा है या नहीं, क्या उससे लोगों के जीवन में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं। अगर वैल्यू ऐड हो रही है तो आपका गोल सही है। और तीसरा, उस गोल की तरफ अग्रसर होने में अगर आप हेल्थ, एथिक्स और मॉरल वैल्यू का नुकसान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपका गोल सही है। चौथा, आपने जो भी गोल सेट किया है क्या आप उससे मोटिवेटेड हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो गोल एकदम सही है। जैसा कि आपने पूछा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे दिए हुए पैरामीटर में आप फिट आ रहे हैं तो वीडियो बनाना स्टार्ट कीजिए। सप्ताह में एक वीडियो बनाइए, बिना रुके आप भी कंटिन्यू कीजिए और आप भी एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। पांचवा प्रश्न, दिशा सिंह और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, अपने बायोग्राफी पर एक वीडियो बनाओ, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू। मेरी बायोग्राफी हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा में ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। प्रश्न नंबर 6, रोहित ने मुझसे पूछा है, टेल मी मोर अबाउट IIBS, How did you become the brand ambassador of IIBS? Due to my popularity and public speaking skills, IIBS got motivated and they have approached my team and my team has collectively taken the decision to accept this offer. And now I'm the brand ambassador of IIBS for consecutively 2 years and still continuing. Question number 7, Jason ne mujhse pucha hai, how do you apply Kaizen in your life? Kaizen is a Japanese technique which I follow in my life. Today only because of that technique, I am the world's youngest motivational speaker. अगर आप काइजन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा उस पर एक वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अखंड टीवी शॉर्ट्स, ज्योत्सना सिंह और कई लोगों ने मुझसे पूछा है,
आई विश आई कुड मीट यू। आप लगातार मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियोस पर कमेंट डालते रहिए। जिनके कमेंट सबसे ज्यादा रहेंगे उनमें से दो लोगों को मैं अपने 14th बर्थडे पर इनवाइट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, रितु ने मुझसे पूछा है क्या आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हैं? मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एसजीआरवी व्लॉग्स ने मुझसे पूछा है आई वॉन्ट टू टेक योर इंटरव्यू, हाउ कैन आई कॉन्टेक्ट यू? मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ईमेल आईडी दे दूंगा, वहां से आप मुझे मेल कर दीजिएगा और मैं इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग आपको दे दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you like my video, make sure to hit that like button and subscribe. It's totally free and you can always change your mind later. And make sure to share this video. And if in this Q&A video your question was not selected, then it's fine. I may select your question in the next Q&A video. And if you haven't typed your question in the comments yet, please do so. Thank you.